Hey guys, what is up? Welcome back to a new channel. Welcome back to a new day. Can you see me, guys? Okay, so the kahani hai ye. This is a new dream, guys. We are going to start our new dream. It's been already started. We are on the mid. Aadha rasta khatam ho chuka hai. Hum just so ke uthe hain, isliye halat thodi si kharab to roop se aa rahi hai. But the thing is, look at this. The name of the new dream is हेमकुंड साहब, और इसकी शुरुआत हुई दिल्ली से जब मैं चला ऋषिकेश के लिए. ऋषिकेश के बाद मुझे इतने सारे पंजाबी सरदार लोग दिखे, इतने सारे लाइक हज़ार से ज़्यादा लोग दिखे होंगे बाइकों पे, और सारी बाइकें स्प्लेंडर प्लेटिना. मैं KTM ड्यूक पे मैंने देखा सब पे एक झंडा टंगाई येलो रंग का, ऑरेंज रंग का सॉरी, एंड दे ऑल गोइंग टू द वन ऑफ द मोस्ट होली प्लेस फॉर पंजाबी सिख पीपल, एंड दैट इज़ हेमकुंड. तो मुझे लगा यार कि हेमकुंड तो मेरे लिए ये था कि पार्वती जाओगे तो तुम्हें हेमकुंड जाने को भी मिल जाएगा. फिर क्योंकि मुझे हमेशा से ये लगता है कि एक जगह आप जाओगे तो दूसरी जगह आसपास की एक आध कोई ऐसी होती है जो उसके साथ फ्री होती है. बट देन आफ्टर लाइक कमिंग हियर आई गॉट टू नो कि आप हेमकुंड इज़ द मेन प्लेस, वैली ऑफ फ्लावर इज़ द लाइक फ्री वाली जगह. तो वी केम टू हेमकुंड साहब. Now we are leaving for Hemkund साहब. हमने वैली ऑफ फ्लावर ड्रॉप कर दिया है आइडिया, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है और वैली ऑफ फ्लावर में फ्लावर्स तो है नहीं, खाली वैली वैली है. तो वैली वैली देखने क्या जाना हो रहा. और कल बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं हुआ, कल 11 किलोमीटर का ट्रैक था, क्योंकि हालत है कुछ ऐसी गाइस. जस्ट लुक एट दिस, कैन यू सी दिस. सारा सब कुछ भीग गया हमारा. हमने विंड शटर लगाए थे, हमने ये पोंचो लगाए थे, किसी ने कुछ काम नहीं करा, हम सब भीगे. सब कुछ इतनी बुरी हालत हो गई कि हमारे कैमरे भीगे, हमारे माइक भीगे, हमारी बैटरियाँ भीग गई थी. कैन यू सी, हमने रात में सब हटाया है. नाउ वी आर गेटिंग फ्रेश. हम लोगों ने ट्रैक शुरू करा जोशीमठ से. जोशीमठ से हम लोग बाइक से आए यहाँ तक, क्या नाम था जगह का, गोविंद घाट तक. गोविंद घाट के बाद हम लोगों ने ट्रैक शुरू करा और हम लोग पहुँचे घांघरिया, जो कि 11 किलोमीटर का ट्रैक था. ट्रैक तो कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था. ओके था, मतलब लाइक ठीक ठाक सा था, लेकिन क्योंकि बारिश पड़ रही थी तो थोड़ी सी दिक्कतें हो रही थी, भीग रहे थे, ठंड लग रही थी, जूते भीग गए थे, वो सब दिक्कतें हो रही थी. उसके सिवा तो कुछ नहीं था. ट्रैक है नॉर्मल. अगर आपने कभी केदारनाथ करा हो, केदारनाथ जैसे ही सेम ट्रैक है, बिल्कुल पत्थर पत्थर है, लेकिन पत्थरों वाली रोड है. आप प्लेन चलते जाओ, बस थोड़ी हाइट गेन करोगे तो उसमें थोड़ा सा लगता है. केदारनाथ में आप इतनी स्टीप हाइट नहीं गेन करते हो जितनी यहाँ पे करते हो. बाकी ट्रैक इजी है. अब आज का ट्रैक शुरू हो रहा है हमारा 4 किलोमीटर का, घांघरिया से हेमकुंड साहब. वहाँ पे दर्शन करने, अरदास सुनी है, लंगर खाना है, और उसके बाद हमें वापस आना है, क्योंकि वहाँ पे रुकना अलाउड नहीं है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, 2 बजे तक, लाइक 2 बजे वहाँ पे बिसल बच जाती है कि खाली कर दो, क्योंकि टेम्परेचर इतना स्टीप डाउन होने लगता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, हवा चलने लगती है. अभी बज रहा है सुबह का 7, ऑल दो हमें चलना था 5 बजे, लेकिन कल भीगने के बाद जब हमें डबल ब्लैंकेट की कंबल और वो सब रजाइयाँ मिली, तो मतलब ऐसा लगा बस यही जन्नत है. हमने भीगे वाले कपड़े फिर से पहन लिए, क्योंकि हम कपड़े बहुत कम लाए थे, और अब हम लोग चलने को तैयार हैं. थैंक यू सो मच गाइस. ऑयल मेरे पास शायद नहीं होगा, इसके बैग में देखो ऑयल. तो गाइस हम लोग चलने को तैयार हैं. थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड. हेमकुंड देखते हैं कैसा होता है, और दिस इज अ न्यू ड्रीम. Thank you.
This is the first time I'm going to do this. Let's see how it goes. ये हाथ से चैन पकड़नी है. Guys. लास्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैक पे आ गए गाइस. मेरे पीछे देखो, दिस इज द लास्ट. और इधर से जाने के लिए फर्स्ट प्लेस दैट यू क्रॉस आफ्टर घंघरिया, घंघरिया, आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग इट घंघरिया घंघरिया, इट्स एक्चुअली घंघरिया. तो गाइस फाइनली वी हैव दिस घंघरिया. सुबह 10 बजे ट्रैक शुरू हुआ था, अभी बज रहा है शाम का 5-7 घंटे लगे 11 किलोमीटर करने में. बहुत आराम से करा. इट्स अ वेरी नॉर्मल ट्रैक माता, तो इट्स अ वेरी नॉर्मल ट्रैक. कोई ज़्यादा कठिन वठिन नहीं है, अभी कुछ दिखेगा नहीं. तो मैं मेन कैमरा निकालता हूँ, अभी तक तो बारिश हो रही थी इसलिए हमने कुछ निकाला. ये हमारे सारे गैजेट्स, कैमरा पूरा, एक कैमरा, दो कैमरा, एक कैमरा रिकॉर्डर. ये हमारा बैग था जो हम लेके आए थे, राइनॉक्स का टैंक बैग. ऊपर से हमने वो लगा रखा था रेन चेटर. और ये सारा अंदर तक भीग गया, मतलब अंदर भी भीग गया. सोच रहे हो भाई, इस बार इसमें ना तौलिया पहले मतलब नीचे से ऊपर से लगाना, फिर कैमरे रखने. तो वही तो बोल, अब अगर बारिश होगी. ये हमारे लोकल गार्जियन गेटिंग रेडी. पोस्टर देखिएगा और इसकी सरदा भी देखिएगा, सेम दोनों खिलजी. तो गाइस फाइनली जर्नी हो गई है खत्म. हम लोग पहुंच गए अपने होटल जहां पर हमें आना था. ओके, सो दिस इज़ अ न्यू ड्रीम दैट वी हैव स्टार्टेड. अचानक से स्टार्ट हुआ, बीच रास्ते में स्टार्ट हुआ. कोई प्लानिंग नहीं था, कोई कुछ नहीं था. अचानक से मैं दिल्ली से आ रहा था, मेरा मन करा कि यार चलो ये कर ले, सही आ रहे. तो अभी हम लोग पहुंच गए होटल. अब हमारा प्लान है कुछ खाने का, क्योंकि हम सुबह से भी क्या कल रात बिना कुछ खाए चले हैं. कल रात आज सुबह नॉन स्टॉप हम लोग चल रहे हैं, हमने कुछ खाया नहीं. तो अभी हम होटल पहुँचे हैं, जस्ट चेंज वेंज करें क्योंकि भीग गए थे, बहुत बारिश हो रही थी. अब कुछ खाते हैं, उसके बाद बताते हैं.